हेलो स्टूडेंट्स हैव यू आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन सो अगेन वी आर गोइंग टू डिसकस द ग्रामर राइट ग्रामर का चैप्टर सिक्स वी हैव स्टडीड इन लास्ट वीडियो इट वॉज़ वर्ब्स एक्सप्रेसिंग द प्रजेंट टेंस तो यहाँ पर हमने प्रजेंट टेंस को स्टडी कर लिया है फोर फॉर्म्स ऑफ प्रजेंट यानी इंडेफिनेट कंटीन्यूस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूस हमने पढ़ चुके हैं नाव वी आर गोइंग टू नो अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर इन दिस वीडियो सो हम पास्ट एंड फ्यूचर के दोनों के ही इनडेफिनेट कंटिन्यूस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूस को डिस्कस करेंगे ओके सो वी कम टू नो इन द लास्ट वीडियो दैट हमारे जो टेंसेज होते हैं वो या तो बींग यानी एग्जिस्टेंस बताते हैं किसी का होना बताते हैं या फिर किसी एक्शन को बताते हैं या फिर किसी पजेशन को शो करते हैं ओके सो यू कैन सी दिस चार्ट यहाँ पर आपको बी के फॉर्म्स दिए हैं हैव फॉर पजेशन एंड डू फॉर एक्सन दिया हुआ है इसके अलावा आपको एक्शन वर्ड्स भी यूज़ करने होंगे जो कि हम वर्ब्स कहते हैं जैसे वॉक इसका सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होता है वॉकड प्ले सेकेंड फॉर्म इज़ प्लेड तो इसे हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं वर्ब का ठीक है तो दीज आर दा वर्ब्स दैट वी आर गोइंग टू तो यूज इन द पास्ट टेंस और अभी हमने जो देखा है यहाँ पर हमने क्या देखे हैं बी हैव और डू के फॉर्म्स राइट अब हम बात करते हैं इनडेफिनेट तो ऑब्वियसली इनके सॉरी अफरमेटिवस की बात करते हैं पहले तो अफर्मेटिव मतलब सेंटेंस विदाउट नो ओके और नेगेटिव

अगर हमें इंटारोगेटिव सेंटेंस जो है कंस्ट्रक्ट करना है सो so इनको हमें ले जा कर के एट द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस यानी सबसे पहले इन्हें ले जा कर के वहाँ पर रखना पड़ेगा ओके okay? सेकंड जो आपका रो है दैट इज़ द फॉर्म्स ऑफ हैव राइट सो इफ दे आर द हेल्पिंग वर्ब लाइक हैड है देन देर इज़ नो प्रॉब्लम बट अगर वो एज अ मेन वारा है सो यू शुड टर्न इन टू यू शुड टर्न इट इंटू डिट है आपको किस में चेंज करना पड़ेगा डिड नॉट हैव ओके और समटाइम्स वेन इट इज द हेल्पिंग वन देन यू कैन यूज हैड नॉट ओके देन द थर्ड वन इज डिड ओके सो वेन ए व So whenever you are going to use did in this in the sentences, then you need to put not just after that, but whenever you are going to use the past form of the verb means walked, sold, watched. Right? So kya karna hoga. If you are going to make it negative, then you have to write did not then जो भी आपका वर्ब है लाइक वॉकड शोड इसका बेस फॉर्म बेस फॉर्म मीन्स रूट फॉर्म जैसे वॉकड का रूट फॉर्म है वॉक शोड का रूट फॉर्म है सो so. वॉच का वॉच टॉट का टीच ओके सो यू शुड राइट डिड नॉट देन द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी यूज ओके नाउ लेट्स सी द नेगेटिव्स एंड द

ओके एंड सिमिलर जो है आपको कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं ओके तो दिस वॉज ऑल अबाउट द पास्ट इंडेफिनेट टेंस नेक्स्ट इज द पास्ट कंटीन्यूस टेंस राइट ये जो आपका नेक्स्ट वन है पास्ट कंटीन्यूअस है यहाँ पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब होंगे वॉज एंड वर सो वॉज इज़ यूज फॉर अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वर इज़ यूज फिद अ प्लोरल सब्जेक्ट राइट दैन आपको वर्ब में आई एन जी फॉर्म एवरीवेयर वेदर इट इज़ द प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास कंटीन्यूस और द फ्यूचर कंटीन्यूअस एवरी टाइम यू आर टू यूज़ आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब वेन योर टेंसिस कंटीन्यूस वन ओके सो आपको यहाँ पर क्या करना है आपको वाज और वर यूज़ करनी है देन उसके बाद में आपको यूज़ करना है आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट next is the continuous tense car negative one and the interrogatives next is the negative and interrogative of the continuous tense so you must remember दैट कि जब भी आपके किसी भी टेंस में किसी भी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है सो इफ यू वॉन्ट टू मेक द नेगेटिव जस्ट पुट अ नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब दैट इज इन द सेंटेंस लाइक सी वॉज रीडिंग इट विल टर्न इन टू सी वॉज नॉट रीडिंग और सी वॉज रीडिंग आई एम राइटिंग इट विल टर्न इन टू आई आई एम नॉट राइटिंग ओके तो जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब होता है देन आपको जस्ट नीड टू पुट अ नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब ओके एंड टू मेक इट इन यू नीड टू राइट द हेल्पिंग वर्ब एट द फर्स्ट प्लेस ऑफ द सेंटेंस फ्रंट में आपको सबसे पहले जो है वो क्या होना लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन आपका मेन वर्ब और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सो सी वॉज राइटिंग विल टर्न इन टू वॉज सी राइटिंग एज़ इट इज अ क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है तो इट शुड एंड विद द इंटेरोगेशन मार्क क्वेश्चन मार्क्स से हम इसे एंड करेंगे ओके इंटेरोगेटिव नेगेटिव इज द सेंटेंस जहाँ पर इंटेरोगेटिव और नगेटिव एट द सेम प्लेस होते हैं ठीक है सो यू कैन राइट वॉज एंट सी रीडिंग यहाँ पर ये क्वेश्चन भी है और साथ में नोट भी लगाया हुआ है सो इट इज़ द इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नॉफ यू एग्जाम्पल्स आर प्रोवाइडेड टू यू सो दैट यू कैन अंडरस्टेंड इट मच मोर बैटर नेक्स्ट इज द पास्ट परफेक्ट सो हियर इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब हैड ओके तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में हैड यूज़ करना होता है देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ करते हैं हमेशा जब भी हमारा, हमारे पास पास हमारे पास परफेक्ट टेंस होता है ठीक है सो इन अफर्मेटिव सेंटेंस वी जस्ट नीड टू यूज हैड दैन हमारा मेन वर्ब लाइक सी हैड गिवन अ बुक टू मी ओके इफ वी वॉन्ट टू मेक इट नेगेटिव सो क्योंकि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हैड है दैट्स वाई शी हैड इंट गिवन मी अ बुक और अगर आप इसे क्वेश्चन बनाना चाहते हैं देन हैड सी गिवन मी अ बुक ओके इंटेरोगेटिव नेगेटिव हैड हम स्टार्ट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव नेक्स्ट टेंस इज़ द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस राइट तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इज द टेंस वे वी यूज हैड ठीक है हमने आपको बताया था कि जब भी हमारा परफेक्ट टेंस होता है उसका ही हेल्पिंग वर्ब हम परफेक्ट कंटिन्यूस में भी मैं ही यूज़ करते हैं बट एक और हेल्पिंग वर्ब बीन हमें यहाँ पर लगाना होता है एंड As I have told you, continuous means verb in ing form. Okay. So you will use had been, then verb in ing form. So I had been walking is the example that has been given you. So affirmative, hone par hum bulenge, I had been walking. Okay. Abhyam par paas hai two helping verbs. So in this situation, we need to put not between both of the words. Right. सो so, क्या करेंगे हम जो दो हमारे हेल्पिंग वर्व है उसमें से फर्स्ट वन के बाद में हम नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज करेंगे आई हैड नॉट बीन वॉकिंग क्वेश्चन बनाना है तो हैड आई बीन वॉकिंग अदर एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको दिए हुए हैं नॉट सीधा एक्सरसाइज यहाँ पर दिए हुए हैं एक्सरसाइज ये ए इज राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ दिस वर्व सो ग्रो टू इसका सेकेंड फॉर्म होता है ग्रू हियर का हर्ड राइट एंड नेक्स्ट इज गेट गॉट ग्रैप ग्रैब्ड कैच कॉट कॉस कॉस्टे डू डिड ड्रिंक ड्रैइंग ओके सो फोर आई हैव डन फोर यू एंड रेस्ट आपको अपने आप से आपको एज अ होमवर्क इससे कंप्लीट करना है ओके एक्सरसाइज बी इज चूज द करेक्ट वर्क फॉर्म सो यर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है ज़रूरी नहीं है कि एवरीवेयर यू आर गोइंग टू यूज द प्रेजेंट एंडफिनेट और जो भी है आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना है सो अमित सेट डाउन इन द मिडल ऑफ द रोड अजय स्टॉप्ड एंड गॉट आउट ऑफ कार सिमिलरली आपके सारे के सारे जो भी है फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिल किए हुए हैं ओके सी एक्सरसाइज सेज Choose the correct form of verb of to be in the past, right? So yahan पर आपको क्या करना है Okay, be का form yahan पर fill करना है So I, it's singular, was, इसके साथ यूज करेंगे यू इज ऑल्सो सिंगुलर वी इज plural, दैट्स वाई वी यूज वर दे plural, दैट्स वाई वर इज यूज

या फ्यूचर इंडेफिनेट जिसे हम कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं ओके यू शुड रिमेंबर दैट कि यहाँ पर शेल एंड विल इज़ यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली दे आर द मॉडल्स बट हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर यूज फॉर फ्यूचर प्रोडिक्शन राइट क्योंकि शेल एंड विल यूज़ करते हैं क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं ओके सो विल इज़ जनरली यूज विद ऑल द सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई एंड वी यानी आई एंड वी जो है वो उसके साथ में हम शेल का यूज़ करेंगे एंड रेस्ट जो भी बचते हैं उनके साथ में हम विल uh, का यूज़ करते हैं ओके सो सी सिंपल फ्यूचर टेंस वेयर सब्जेक्ट दैन विल और सेल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे एंड देन इन्फिनेटिव विदाउट टू यानि वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करना होगा ओके okay? आपके जो भी मॉडल ऑगजिलरीज होते हैं उनके बाद में जो भी वर्ब यूज़ होते हैं एक्चुअली वो इन्फिनेटिवस होते हैं जिन्हें हम विदाउट टू यूज़ करते हैं सो so ये हमारे लेटर चैप्टर्स में एक टॉपिक है टू बी डिस्क विल डिस्कस इट इन डिटेल ओके तो अभी हमें याद रखना है दट वी नीड टू यूज़ विल एंड सेल देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ टू बी यूज ओके एंड वेन इट इज़ नेगेटिव तो क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल एंड शेल है सो वी जस्ट नीड टू पुट नाट विदाउट सॉरी आफ्टर इट यानि विल और सेल जो भी है उसके बाद में आपको नॉट लगानी है देन आप रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वर्ब के साथ में राइट करेंगे राइट और आप उसके कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म यानी विल का वॉन्ट शेल का शैन देन इस तरह से यूज कर सकते हैं ठीक है एंड यू आर गोइंग टू मेक इट इंटेरोगेटिव तो विल या शेल जो भी आपका सेंटेंस में है उसे आपको बिफोर द सब्जेक्ट रखना है ओके यानी वो फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा सो जस्ट टेक वन सेंटेंस

पूरी स्पेलिंग ना लिख करके उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सो so, एक अपोसट्रॉफिक के साथ में हम उसे राइट करते हैं दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रेक्शन ओके बट इन इट विल को कभी भी शॉर्टन नहीं किया जाता है नाउ सी सम एग्जाम्पल्स गिवन एट पेज नंबर फिफ्टी टू जो कि आपके सिमिलर रूल्स uh, को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है नेक्स्ट इज द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यहाँ पर आपको पता ही है दैट कंटीन्यूअस है तो आई एन जी फॉर्म आपको लगाना होगा वर्ड का एंड हेल्पिंग वो विल बी शेल बी और विल बी या तो शेल बी हम यूज़ करेंगे आई और वी होने पर या फिर अदर होने पर हम विल बी का यूज़ करेंगे ओके सो द एग्जाम्पल इज़ आई बी आस्के नेगेटिव बनाएंगे तो आई विल नॉट बी आस्के राइट और अगर इसका इंटारोगेटिव बनाना है तो ल आई बी आस्किंग देन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए विल राइट वॉन्ट आई बी आस्किंग राइट सो सेम थिंग आपको अप्लाई करनी है यू हैव द हेल्पिंग वर्ब हर जस्ट यू नीड टू पुट अ नॉट आफ्टर देल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होने की कंडीशन में आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब ऑफ नेगेटिव बनाने के लिए आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट लगाएंगे और जो भी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होगा उसी को हम एट फर्स्ट पोजिशन ले करके आएंगे वेन वी आर गोइंग टू मेक इट इंटेरोगेटिव ओके सिमिलर विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस सो यहाँ पर आपके पास होंगे विल हैव और सेल हैव ओके आपका जनरली सेंटेंस स्टार्ट होता है विद अ सब्जेक्ट ओके देन यू नीड टू राइट अ हेल्पिंग वर्ब अगर आपके सेंटेंस में है देन <coughs> आपका मेन वर्क का जो भी फॉर्म होगा सो फ्यूचर परफेक्ट में हम पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं ओके एग्जाम्पल ही इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट नेगेटिव यू विल राइट ही वोंट हैव फिनिश्ड ओके एंड वेन यू आर गोइंग टू मेक इट इंटेरोगेटिव विल राइट विल ही हैव फिनिश्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए

सो हम राइट करेंगे सब्जेक्ट देन देल्पिंग वर्क विल और शेल प्लस हैव बीन वर बिन आई एन जी फॉर्म ओके सो वेन यू आर गोइंग टू मेक अ एन अफर्मेटिव सेंटेंस यूट आई विल हैव बीन वर्किंग ओके इसी सेंटेंस का नेगेटिव अगर हम बना रहे हैं दैट इट विलट हैव बीन वर्किंग टू मेक इट इन टेटिव

of the verb in simple future tense actually fill in the blanks must be there so यहाँ पर जो भी हमारे पास verb है उसको हम future simple tense में चेंज करके फिल करेंगे यानी विल और शेल को यूज करके हम फिल करेंगे ओके नेक्स्ट डी वन इज़ ऑल्सो द सिमिलर कि वहाँ पर आपके पास कई एक ऑप्शन है अबाउट थ्री टू फोर ऑप्शन जिसमें आपको करेक्ट वन को चूज़ करना है राइट एंड द लास्ट वन इज दैट कि यहाँ पर आपके अगेन ब्रैकेट में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको देना है ठीक है स्पेशली द फोर्थ वन ऑफ दिस आपको याद रखना है बिकॉज यहाँ पर कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं था दैट्स वाई आई यूज द वर् शर्व राइट क्योंकि यहाँ पर सर्वड था सर्विंग था सर्वस था और बुड सर्व था ओके okay? सो so, इनमें से कोई भी अप्रोप्रिएट नहीं था दैट्स वाई मैंने सर्व फिल किया है आपको भी वही फ़िल करना है एंड रेस्ट अदर्स में मैंने टिक किया हुआ है सो डू दैम और इफ़ देर इज़ एनी कन्फ्यूज़न यू कैन आस्क मी आप मुझे कॉल कर सकते हैं मुझे मैसेज करते हैं कर सकते हैं देन आई एल सॉल्व द प्रॉब्लम जो भी आपकी कन्फ्यूज़न होगी उसे मैं दूर करूँगी राइट सो दिस फॉर टोडेव नाइस डे गुड बाई